नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन से संबंधित, यानी अगर आप घर बनवाने का सोच रहे हैं फ्यूचर में या बनवाने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं कई चीज़ों के प्राइस के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो हो सकता है वीडियो आपके काम आए। सामने ये मोरंग यानी लाल रेत आपको दिख रहा होगा, ये 1000 घन फिट है और यानी एक ट्रक माल है, और ये 90 रुपये घन फिट के हिसाब से लिया गया, यानी 90,000 रुपये का ये रेत है। ठीक है, कुछ ईंट मोरंग छड़ ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको घर बनवाने समय एक बल्क में लेके रखना होता है। तो दो पहली चीज़ हो गई मोरंग 90 रुपये घन फिट। दूसरा दोस्तों, ये टाटा की छड़ है, आप सामने देख सकते हैं, ये लेंथ के हिसाब से आती है, ये 12 mm, 10 mm और 8 mm का ये छड़ लिया गया है। 8 mm वाले से रिंग बनाया गया है, जो जैसा कि मैंने बताया लेंथ के हिसाब से आती है, लेकिन अगर क्विंटल की बात करें तो 8,000 रुपये क्विंटल पड़ा है। अलग अलग साइज का अलग अलग प्राइस है, जैसे 12 mm का लेने जाएंगे तो कुछ प्राइस है, 10 mm का अलग प्राइस है, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसको क्विंटल में काउंट करेंगे तो 8,000 रुपये क्विंटल पड़ा। बाकी जो छड़ आती है अलग कंपनियों का, वो क्विंटल पर मिलता है। सिर्फ टाटा ही एक ऐसी छड़ है जो कि लेंथ पे आती है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू इसकी काफ़ी है और हर कोई इसको लगाता नहीं है इस डर से कि काफ़ी महंगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अदर्स से इसकी प्राइस में महज 1000-1200 रुपये का अंतर आता है। तो क्लियर हुआ। और एक बार मैं बताता चलूँ, ये महीना है अगस्त का 2022, तो प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। मैं गोरखपुर से यूपी से हूँ, आपके यहाँ क्या रेट है तो वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। तीसरी चीज इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, ईंट। हमारे यहाँ नॉर्मल जो ईंट है बरसात का समय है 18,000-1850 रुपये चल रहा है, लेकिन हमने जो ईंट लिया है वो ईंट लिया है 17,500 रुपये का। ठीक है, अव्वल ईंट है, यानी तीन कैटेगरी आती है, अव्वल, दोयम और तीसरा मतलब लोकल सबसे लास्ट गई कैटेगरी होती है। तो अव्वल ईंट हमें 17,500 का पड़ा है। आप ये देख सकते हैं, ये छड़ से फ्रेम बना हुआ है जो नीचे फाउंडेशन में लगाया जाएगा और इस पर कंक्रीट से इसको फिक्स किया जाएगा। तो ये 12 mm का इसमें यूज हुआ है, ये 3x3 के साइज में है, मतलब सॉरी 3x3 के साइज में है। काफ़ी विथ इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी है, क्योंकि अगर आप 3 फ्लोर का मकान भी बनाते हैं तो ये पूरी मजबूती देगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि टाटा का यूज़ किया गया है, तो हालांकि टाटा हर कोई बाई नहीं करता। ठीक है, तो आपने देखा रेत के बारे में मैंने आपको बता दिया, ईंट के बारे में आपको बता दिया, और बता दिया मैंने आपको छड़ यानी इस्पात के बारे में। तो ये घर हमारे घर के सामने बनने जा रहा है, ये मेरा घर है जो लगभग 2 साल पहले बन के कम्प्लीट हुआ, और मेरे पास में ही एक जानने वाले अंकल हैं, उनका बनने जा रहा है, और उन्हीं के सामान के जो रेट उन्होंने लिया है वो प्राइस मैंने आपको अपडेट की 2 साल पहले, यानी कोविड शुरू होने से पहले घर बना था। तो इसमें और अभी जो बनने जा रहा है उसकी प्राइस में काफ़ी अंतर है, मतलब तकरीबन 30 से 35% का प्राइस इंक्रीज है। ठीक है ना, जो प्राइस हमने लिया था उससे 30% 35% प्राइस बढ़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन की भी प्राइस ज़्यादा है और मटेरियल की भी। ये मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए घर दिखा रहा हूँ जो हमने 2 साल पहले बनवाया था, यानी पहला जो लॉकडाउन लगा था, 2 साल सुपर ही हो गया ना, तो पहला लॉकडाउन लगा था तो उस समय हमारा ये जस्ट कंप्लीट हुआ था, फिनिश नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं कि पुट्टी भी कई जगह पे नहीं हुई है, क्योंकि उसी समय लॉकडाउन लगा और मज़दूर काम छोड़ के चले गए, और फिर वो होता है ना, पेंडिंग टू पेंडिंग ही रह जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके काम आने वाली है, अगर आप फ्यूचर में या हाल फिलहाल में घर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं। प्राइस का तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मार्केट का भाव ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया और मार्केट सिचुएटेड होता रहता है। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये जानकारी शेयर करनी चाहिए। अगर और भी कोई चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, नहीं बताया है मैंने, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँगा। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।